इस बैट का बटन दबाने से तेरी गोल्ड की कॉइन्स मैग्नेट की तरह आकर चिपक गए थे। अरे हाँ विवान, अभी पता चल जाएगा। ओ चिंटी, खींच मेरे को। भैया आप कैसे चिपक गए? पता नहीं चिंटी, खींच मेरे को। विवान, मुझे तो लगता है उस गाड़ी के अंदर खजाना है। मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ खजाना है, लेकिन इस बैट में काफी ज्यादा पावर है। चिंटू, क्या कर रहे हो ये लंच पीरियड में? सर, मैं चिपक गया हूँ। चिंटी, खींच मेरे को। चिंटू, दूर हटो कार से, स्टॉप इट। सर, जो चीज मैंने शुरू ही नहीं की है उसको स्टॉप कैसे करूंगा? सर देखो देखो, चिंटू आपकी बात नहीं मान रहा। वेरी बैड चिंटू, वेरी बैड। चिंटू, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तुमको, अगर तुम कार से दूर नहीं हटे तो पूरे पीरियड के लिए तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। नहीं सर, प्लीज। ठीक है चिंटू, अब से तुम अगले वीक तक मेरी क्लास में मुर्गा बनोगे। चल अब क्लास चलते हैं और उस बेचारे चिंटू को भी छोड़ देते हैं। मन तो नहीं हो रहा, फिर भी छोड़ देते हैं। मैंने बटन तो ऑफ कर दिया है, लेकिन ये चिंटू अभी तक चिपका हुआ क्यों है? हो सकता है इस मैग्नेट बैट की पावर थोड़ी हाई हो। थोड़ा दूर चल लेते हैं, सिग्नल अपने आप ही वीक हो जाएगा और चिंटू गाड़ी से छूट जाएगा। चल ठीक है। वाह है खेल शुरू। ये मैं क्या देख रहा हूँ कालपरी, तुमने अपनी प्यारी तिमनासा के निर्देश का उल्लंघन कर दिया। हाँ भैमार, भैरानी सप्तनाशक खंजर की शुद्धि के लिए काल व्रत करने गई है और हमसे कहा था कि जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरी वो करना प्रतीक्षा, लेकिन ये विवान और गोपू के साथ धरती पर खेल खेल रही है। हाँ, क्योंकि कालपरी की फूट डालो और राज करो की नीति के पर खच्चे उड़ा के गया है ना विवान। मूर्ख तो विवान तुम्हें भी बनाकर गया है भैमार, लेकिन मैं उस चूजे विवान को इस अपमान का सबक सिखा कर रहूंगी। सबक? वो भी बिना भैरानी के? अच्छा बताइए, आपका ये चुंबक वाला बल्ला क्या करने वाला? जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे तुम सबको पता चलता जाएगा इस यंत्र की असली करामात। जब तिमनासा काल व्रत पूरा करके लौटेगी तो उसके लिए मेरी तरफ से एक तोहफा होगा, धरती की तबाही। गोपू, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ विवान, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि आज मेरा गुड लक इतना अच्छा कैसे है। मैग्नेट बैग, चिंटू की फिरकी का बोनस। लेकिन मैं तो चिंटू के बारे में सोच रहा हूँ, वो अभी तो क्लास में भी नहीं आया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फार्मिंग और टूल्स के बारे में कुछ सीखेंगे, ओके? यस सर। ये बच्चों छोटी छोटी खुरपियां हैं, ये पौधे लगाने में काम आती हैं, और ये शवल है, इसको हिंदी में हम फावड़ा बोलते हैं, और ये कुदाल है। कहीं ये सब इस मैग्नेट बैट के कारण तो नहीं हो रहा? ये क्या हो रहा है विवान, ये सारी मेटल की चीजें चुंबक क्यों बन रही हैं? गोपू, तुझे ये बैट किसने दिया था? एक चाइल्ड फकीर थे। क्या? हाँ, वो हमारी हाइट के होंगे, उन्हीं ने मुझे ये बैट दिया था। कहीं वो दोबा दोबा तो नहीं था? अरे विवान, कहाँ जा रहा है? Thank you.
मुझे इस मैग्नेट के बारे में भट्टर को बताना चाहिए। लेकिन पार्टनर तो हिमसार ग्रह से लाई हुई ओस की बूंदों की विधि कर रहे हैं ताकि वो परिमा को ठीक कर सके। नहीं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्यों ना मैं इस मेटल को यही जमीन में काट दूं, जब तक इसके बारे में ठीक से पता नहीं चल जाता। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुश्किल हल। विवान, मुश्किल तो अभी हल नहीं हुई है, असली मुश्किल तो अब शुरू होगी। हैं? इस छोटे चुंबक का बड़ा करिश्मा बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। मैग्नेट की प्रॉब्लम तो टल गई, लेकिन अब मम्मी की डांट से कैसे बचूंगा? इतना लेट से वापस आया हूँ स्कूल से। एक मिनट मम्मी, मुझे पता, पहले तो आप डांटोगी, फिर आपको बुरा लगेगा कि आपने इतने प्यारे से बच्चे को कैसे डांट दिया, और फिर आप पूछकर खाना खिलाओगे। एक काम करो ना, मुझे सरप्राइज कर लो, आज मुझे पहले खाना खिला दो, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। बोलो नहीं, सुनो, ये भी कोई सरप्राइज है? सरप्राइज तो इसे कहते हैं। वाओ, थैंक यू सो मच बब्बी। मम्मी आप ग्रेट हो, आपका नाम ना आपकी पर्सनालिटी पे फुल शोभा देता है। आप में वाकई बात करो ना मम्मी। डायलॉग मत मारो और जाओ, जाकर इसे पहन कर दिखाओ, पता तो चले फिट हो रही है कि नहीं। हाँ। वाह मम्मी, ये तो बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है, थैंक यू। ये मेटल फ्रेम का नया चश्मा पहनकर मैं एकदम दिलीप कुमार के जैसा लगूंगा। वाह मम्मी, खुशी। दादाजी, ये क्या हो रहा है, ये कैसे चिपक रहा है खुशी? पता नहीं मम्मी। मम्मी देखो मैं क्या हो रहा है वहां, ये देख। ये मैग्नेट वापस किसे आ गया? ये क्या हुआ? अरे आनंद जी, आपकी गाड़ी। हाँ, सुबह चिंटू गाड़ी से चिपक गया था और अब इनकी गाड़ी मेरी गाड़ी से चिपक रही है। क्या हो रहा है भारत नगर में? चल चिंटू चोर, पूरे भारत नगर में तुम चिपको आंदोलन शुरू हो गया क्या? दूर करूं मैं सबका तो हो जाए चुम्बक क्लिप को। हैंड अप। यस। मुझे मैग्नेट काटने से पहले ही उसे लुक कुप कर देना चाहिए था। खैर अब ठीक है। अबे भी ये सब कैसे हो रहा है? मैंने मैग्नेट तो गायब। ये मैग्नेट, ये तो चुंबक की तरह मेरे साथ चिपक गया है। अब मैं क्या करूं? शेर सर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हुआ विवान? ये हुआ है शेर सर, इस मैग्नेट के कारण पूरी धरती पर प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ये चुंबक तुम्हें कहाँ से मिला? बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में बता दूँ। मैंने इसे जमीन में गाड़ा, इसे लुप्त करके गायब किया, लेकिन पता नहीं कैसी ये बार बार मेरे पास वापस आ जाता है।
इसका इलाज पार्टनर के पास तो जरूर होगा। पार्टनर के उसकी बंदूकी विधि खत्म हो गई क्या? बालवीर को अपनी विधि पूरी करने में थोड़ा समय लगेगा। मैं और मस्ती परी इसे नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं ना? हाँ सच्ची कूल। चुंबक और इसके साथ चूर चूर हो गया कान परी का कमांड। तबा तबा ये सब मैं नहीं बोल रहा। ये चुंबक तो अब इस छोटी सी चोट से नासूर बन गया है। नो, ये तो वापस आ गया। मुझे लगता है हमें ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ रुको, ये कोई साधारण चुंबक नहीं है जो सिर्फ धातु की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, बल्कि जो शक्तियां तुम इसे खत्म करने के लिए इस्तेमाल करोगे, ये चुंबक उन शक्तियों को भी अपने अंदर खींच लेगा। या? इसका मतलब इसे हम जितनी तोड़ने की कोशिश करेंगे इसकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। तो फिर मुझे नष्ट कैसे करेंगे शेर सर? ऐसी कोई मुसीबत होती ही नहीं है विवान जिसका कोई हल ना हो। मुझे थोड़ा समय दो। जब तक शेर सर सॉल्यूशन निकाले तब तक तो मैं कालो कालो को मजा चखा के आता हूँ। उस काल परी ने मेरी बुद्धि और मेरे कद का मजाक उड़ाया। मैं जा रहा हूँ धरती पर सब छोड़। ए, छोड़ना तोबा तोबा, क्यों बुरा मान रहा? ये क्या हो गया? छोड़ तोबा तोबा। अब इनकी ही मैग्नेट से इनकी ही दुनिया अपसेट करूंगा मैं। तुमने तो कहा था सूर्यास्त के बाद बहुत बड़ा कोहराम मचेगा। ऐसा क्या होने वाला है सूर्यास्त के बाद? अभी तो धरती पर सिर्फ धातु की वस्तुएं चिपक रही है। लेकिन एक बार सूर्यास्त हो जाए फिर इस चुंबक की शक्ति धरती की चुंबकीय शक्ति से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। उससे होगा क्या? उससे धरती के सारे आधुनिक उपकरण काम करना बंद हो जाएंगे। आसमान से विमान नीचे गिरने लगेंगे। समुद्र का पानी सुनामी बनकर पूरे धरती को निगल जाएगा। चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। मान गए काल परी, इस बार तुम्हारी चाल ने बड़ी ऊंची उड़ान भरी। भैमार, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया काल परी। और तुम उड़ कैसे रही हो? ये मैं बताता हूँ। काल परी बिना तोर की पतंग की तरह कैसे उड़ रही है? मुझे तो लगा था कि ये चुंबक सिर्फ धरती पर काम करता है, लेकिन तोबर जबदली पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि ये चुंबक यहाँ भी काम करता है। विवान, नीचे उतारो मुझे, वरना वरना क्या होगा मैं बताता हूँ। कहाँ भेज दिया काल परी को विवान? खुद ही वहां जाकर काल परी से पूछ लेना। सॉरी भैमार जी, इस चुंबक को डायलॉग बाजी नहीं पसंद है, बल्कि इसे तो मैं पसंद हूँ, इसलिए तो बार बार लौट कर मेरे हाथों में वापस आ जाता है। एनीवेज तुमने तो तुम्हारा हथियार इस्तेमाल कर लिया, अब मैं अपना मैग्नेट यूज कर लूं। तुम्हारे पास ये एक चुंबक है और मेरे पास अनगिनत हथियार।
भाग जगदाली। अरे भैमार तू हट। अरे तुम दोनों हटो। अब जल्दी से ये बताओ कि इस चुंबक को नष्ट कैसे करना, वरना तुम लोग हमेशा के लिए ऐसे ही चिपके रहोगे। जिसके पास जवाब था उसे तो तुमने बहुत दूर उछाल के फेंक दिया। जब तक तुम कालपरी को ढूंढोगे सूर्यास्त हो चुका होगा और खत्म हो जाएगी धरती। हंस क्यों रहे हो भराजा? कालपरी ने तो कहा था कि इस चुंबक को कोई इंसान नष्ट नहीं कर सकता और सूर्यास्त के बाद ही इसका असली कोहराम शुरू होगा। इनमें से किसी को भी सॉल्यूशन नहीं पता। अब मैं क्या करूं? मैं सबको कैसे बचाऊंगा? विवान, तुम जहाँ कहीं भी हो इसी वक्त उस चुंबक के साथ वीर-लोक पहुंचा। ठीक है शेर सर। कोई बचा मुझे। अरे विवान, अच्छा हुआ तुम आ गए। शौर्य ने इस चुंबक की समस्या का हल ढूंढ लिया है। तो जल्दी बताइए ना शेर सर, हमें कौन सा मैजिक यूज करना होगा? इस चुंबक की पावर तो बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या का समाधान जादू में नहीं विज्ञान में है। यानी कि साइंस में? हाँ विवान, किसी भी चुंबक को अगर गर्म किया जाए तो एक सीमा के बाद उसकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम इस चुंबक को गर्म करें और ये गर्मी की शक्ति अपने अंदर खींच के और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी अग्नि की शक्ति से इस चुंबक की शक्तियों को नाकामयाब कर दूंगी। ठीक है। ज्वाला परी संभल की। मैंने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया फिर भी इस चुंबक पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन आपने तो कहा था शौर्य, एक सीमा के बाद गर्मी पाकर ये चुंबक नष्ट हो जाएगा, लेकिन इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा है। शेर सर का बताया हुआ हल कभी भी गलत नहीं हो सकता, पर गलत हो सकता है हमारा मेथड, मेरा मतलब तरीका गलत है। कालपरी ने तो कहा था कि इस चुंबक को कोई इंसान नष्ट नहीं कर सकता और सूर्यास्त के बाद ही इसका असली कोहराम शुरू होगा। तबा तबा ने कहा था कि सूरज के डूबते ही इस मैग्नेट की असली शक्ति बाहर आएगी जिसे कोई भी इंसान खत्म नहीं कर सकता। और शेर सर ने बोला है कि चुंबक को एक सीमा तक गर्म करने से उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमें इस मैग्नेट को डिस्ट्रॉय करना है तो इसे सूरज की गर्मी देनी चाहिए। शाबाश विवान, यही है चुंबक को खत्म करने का हल। लेकिन शौर्य, सूरज तो करोड़ों मील दूर है, हम इस चुंबक को वहां तक पहुंचाएंगे कैसे? मति परी, अगर हम सब मिलकर अपनी ताकत लगाए तो ऐसा क्या है इस दुनिया में जो हम नहीं कर सकते? हुनु, ये चुंबक तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कभी कभी तुम लोगों की लाचारी देखकर ऐसा मन करता है कि तुम्हारी मदद कर दूं। वो टिम्मी आंटी, अगर ये चुंबक नहीं रुका ना तो तुम भी उतनी ही लाचार होंगी, क्योंकि न रहेगा काल-लोक, न रहेगी काल-लोक की भैरानी। विवान सही कह रहा है, अगर ये चुंबक नष्ट नहीं हुआ तो धरती लोक और वीर लोक के साथ साथ काल-लोक भी तबाह हो जाएगा। इसलिए तुम हमारी नहीं खुद की मदद करने की भी सोचो। टाइम कम है, क्योंकि अगर सूरज डूब गया ना तो इस मैग्नेट में इतनी शक्ति आ जाएगी कि सब खत्म हो जाएगा। सोच लो टिम्मी आंटी। ठीक है, मैं विवान के चारों तरफ चुंबक प्रतिरोधक घेरा बना देती हूँ ताकि वो चुंबक वापस इस तक ना पहुंच सके। तो ठीक है, रेडी?
3, 2, 1 जीत मुबारक हो वीर लोकवासियों, लेकिन मेरी अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना, क्योंकि इस बार मेरी लड़ाई आर या पार की होगी। इस बार भूत, भविष्य और वर्तमान थरथरा उठेंगे।